गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर जीके। ओके, आई एम गोइंग टू टीच यू, जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द करंट अफेयर्स एंड द रीजनिंग क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर जीके पेपर। ओके, सो करंट अफेयर्स आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ देर विल बी एनी क्वेरी that I will solve in my GK class that I have with you on Saturday. Okay class, so this is question number 1, current affair. Which mobile app reached 5 crore users in 13 days since its launch? Okay, तो कौन सा मोबाइल ऐप है? ऐप जैसे कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, फेसबुक का होता है, अभी आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम का ऐप डाउनलोड किया है वर्चुअल क्लासेस के लिए, ऐसे ही एक ऐप है। ठीक है, ऐप तो कौन सा ऐप है जो इतनी जल्दी इतने सारे लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है? दैट इज आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप। ओके, दैट ऐप टेल्स अस अबाउट द कोरोना विक्टिम्स, कोरोना पेशेंट्स। ओके, दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ COVID-19 हॉटस्पॉट्स? यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें COVID-19, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, COVID-19 मींस दैट कोरोना वायरस डिजीज। तो कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब बहुत ज्यादा प्लेसेस पर कोरोना के पेशेंट मिले हैं? एंड दैट इज तमिलनाडु। ओके, दैट इज तमिलनाडु। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन डाइच हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज फेमस फॉर डायरेक्टिंग विच एनिमेटेड सीरीज? एनिमेटेड सीरीज का मतलब होता है जैसे कि आप कार्टून्स देखते हो ना, कार्टून मूवी देखते हो, कार्टून्स देखते हो, तो उन्हें कहते हैं एनिमेटेड सीरीज या एनिमेटेड मूवीज। ठीक है, तो जीन डाइच एक पर्सन का नाम है, तो उसने क्या, कौन सी एनिमेटेड सीरीज डायरेक्ट की थी? ओके, कौन था? दैट इज जीन डाइच एंड ही डायरेक्टेड टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी सबने देखा है ना? सो टॉम एंड जेरी किसने डायरेक्ट की थी? जीन डाइच ने। ओके, जीन डाइच ने की थी, जिसकी अभी डेथ हो गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जियो टैग इट्स कम्युनिटी किचन्स एंड कम्युनिटी शेल्टर? जियो टैग का मतलब होता है हमारे मैप में उस चीज को लोकेट करना। ओके, मैप में चीजों को लोकेट करना इज जियो टैग। सो कम्युनिटी किचन एंड कम्युनिटी शेल्टर सबसे पहले किस स्टेट में हुए थे? दैट इज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कम्युनिटी किचन और कम्युनिटी शेल्टर को जियो टैग किया गया है, जियो टैग। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच एक्टर फीचर्स इन द तेरी मिट्टी? आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, एक सॉन्ग आता है ना कोरोना के टाइम पर, अभी आता रहता है, तेरी मिट्टी। तो दैट इज अक्षय कुमार। दैट सॉन्ग इज फीचर्ड, उसमें कौन सा एक्टर है? दैट इज अक्षय कुमार। ओके, क्वेश्चन नंबर 6,
Which country has announced its first Mars exploration mission named Tianwen-1? Tianwen, this is Tianwen-1. तो कौन सी कंट्री ने एक्सप्लोर किया है, कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया है दैट मिशन, दैट Tianwen मिशन? एंड एज द नेम सजेस्ट, Tianwen ऑलरेडी चाइनीज नेम है, तो द कंट्री हु हैज स्टार्टेड दैट मिशन इज चाइना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ऑन अप्रैल 13 अ लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2.7 shook parts of which city? अभी कुछ दिनों पहले आपने सुनी होगी न्यूज, है ना, अभी कुछ दिनों पहले ही आया था अर्थक्वेक आया था, ठीक है, और अर्थक्वेक जिसका सेंटर था दिल्ली, जिसका सेंटर था दिल्ली, यानी वो कई प्लेसेस में आया है, कई प्लेसेस में आया था, लेकिन जो मेन सेंटर होता है जहां से वो स्टार्ट होता है दैट वॉज दिल्ली. ठीक है, तो सिंपल सा आपको लर्न करना है कि अप्रैल 3 को कहां अर्थक्वेक आया था, दैट इज दिल्ली. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2020? 2020 अर्थ डे का थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन. थीम मतलब किस पर बेस्ड थी, ठीक है, किस पर बेस्ड थी, तो दैट इज नोन एज थीम. सो क्लाइमेट एक्शन, जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना बहुत सडनली, तो दैट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे. ओके, नाउ द रोल ऑफ विच इंसेक्ट वाज हाइलाइटेड इन अ गूगल डूगल ऑन 15th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे, यानी अर्थ डे पर अगर आपने नोटिस किया हो तो गूगल डूगल हमें, गूगल डूडल हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, तो उन्होंने अर्थ डे पर एक इंसेक्ट की पिक्चर यूज की थी, ठीक है, एंड दैट इंसेक्ट इज बी. तो सिंपल सा लर्न करना है आपको, इंसेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो आंसर इज बी. ओके, विच इंसेक्ट? बी. नाउ नेक्स्ट, हु प्लेज, क्वेश्चन नंबर 10, हु प्लेज द रोल ऑफ टाइलर रेक इन द 2020 फिल्म एक्सट्रैक्शन? टाइलर रेक, इसका एड भी आप लोग आजकल देखते होंगे. ओके, दैट टाइलर रेक 2020 फिल्म एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन इज द नेम ऑफ द मूवी, तो उसमें टाइलर रेक का रोल किसने प्ले किया है? क्रिस हेम्सवर्थ हैज प्लेड द रोल ऑफ टाइलर रेक इन द मूवी ऑफ एक्सट्रैक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू कट ऑफ फंडिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बोलते हैं ना, WHO, तो कौन सी कंट्री ने मना कर दिया है कि अब वो फंड नहीं दिया करेगा WHO को? ये तो आजकल न्यूज में भी आता रहता है, दैट इज USA. USA का प्राइम प्रेसिडेंट है ना ट्रम्प, उसने मना कर दिया है. सो कौन सी कंट्री है? दैट इज USA, जिसने WHO को फंडिंग करने से मना कर दिया, यानी वो उसे कोई फंड नहीं देगा. एंड 12th क्वेश्चन, हु ज्वाइन WWF इंडिया एज एम्बेसडर फॉर एन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम? किसने WWF इंडिया को ज्वाइन किया है, किस स्पोर्ट्स पर्सन ने ज्वाइन किया है एज एम्बेसडर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम? एम्बेसडर मतलब होता है जो उस चीज को बढ़ावा देता है, जो उसका एडवर्टाइज करता है, जो लोगों को बताता है उसके बारे में, ठीक है. एंड हु इज द पर्सन? विश्वनाथन आनंद. ही इज अ वेरी गुड चेस प्लेयर. ओके, सो विश्वनाथन आनंद. ओके क्लास, नाउ सम रीजनिंग क्वेश्चंस. ओके, आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू द पैटर्न, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इन द एग्जाम इन द सिटी दीज विल नॉट कम. ओके, दीज विल नॉट कम.
एनी अदर रीजनिंग विल कम, सो यू हैव टू सी द पैटर्न. आपको पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट नंबर डिसाइड करना है. जैसे जस्ट लाइक हियर 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. तो व्हाट आई डिड, व्हाट आई हैव डन, 1, 2, 3, देन आई हैव टेकन लास्ट टू नंबर्स, 2, 3 आई हैव टेकन एंड नेक्स्ट नंबर, 2, 3 एंड नेक्स्ट नंबर. सो अगेन सी 3, 4, 3, 4 एंड 4 के बाद जो नंबर आता है दैट इज 5. सो व्हाट विल आई डू, आई विल टेक दीज लास्ट टू नंबर्स 4, 5 एंड 5 के बाद इट कम्स 6, 4, 5, 6 एंड देन अगेन लास्ट टू नंबर 5, 6, 7. ओके, सो सी 4, 5, 6, 5, 6, 7. तो आपको पैटर्न बनाना है, पैटर्न ध्यान से पैटर्न देखना है, ठीक है, पैटर्न देखना है आपको कि क्या पैटर्न चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे ट्राई करना है. अब देखो यहां पर सेकंड क्वेश्चन में ए बी ए, यानी पहला अल्फाबेट, सेकंड अल्फाबेट और दोबारा से मैंने पहले अल्फाबेट को रिपीट करे, ठीक है. नाउ बी सी, फिर बी रिपीट है, सी डी फिर सी रिपीट है, डी ई फिर डी रिपीट है ना. और देखो एक और पैटर्न चल रहा है, ए बी सी डी. अब ये मैंने आपको दिया हुआ है, एग्जाम में अगर नहीं आएगा तो आपको समझना है कि ए बी सी डी और इसके बाद आएगा ई एफ. तो अब ई के बाद आता है एफ और ई को रिपीट करना है, एफ के बाद आता है जी और एफ को रिपीट करना है. सो ई एफ ई एफ जी एफ, ठीक है. अब देखो ये बहुत सिंपल है, 500, 400, 300, मतलब 100 कम हो रहे हैं, जीरोज सेम है, 5, 4, 3. नाउ हियर इट विल कम 2 and 1 एंड 2 zeros, 500, 400, 300, 200, 100. ओके, एंड नाउ सी 2, 4, 6, 8. व्हाट्स गोइंग ऑन, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, 2 में 2 ऐड किए 4, 4 में 2 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड किए 8. और व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, इट इज अ टेबल ऑफ 2, इट इज अ टेबल ऑफ 2, है ना. 2, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 6, 12, ठीक है. सो 10 एंड 12. तो इस तरह से हम आपको टेबल भी पूछ सकते हैं किसी भी. आई थिंक यू पीपल हैव लर्न टिल 10, तो आपको टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है, टेबल भी पूछी जा सकती है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कार, रोड, एरोप्लेन, पर देखो इसके बीच में ये लगा है ना, ये यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है. कार रोड पे चलती है ना, एंड एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई. कार रन्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द लिंक. हेयर ऑल्सो सोल्जर आर्मी, वॉट इज द रिलेशन बिटवीन सोल्जर एंड आर्मी, सोल्जर इज अ पार्ट ऑफ आर्मी, यानी सोल्जर आपको कहां मिलता है, आर्मी में. एंड इन द सेम वे वेयर डू कैन यू फाइंड द टीचर, टीचर यू कैन फाइंड इन स्कूल, टीचर यू कैन फाइंड इन स्कूल. ओके, सो इन द पेपर यू विल बी गिवन द ऑप्शन, बट पहले आप खुद अपना ट्राई करना कि ये पैटर्न चल रहा है, नेक्स्ट नंबर ये होगा. ओके, देन ओनली यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर. वी विल डू मोर प्रैक्टिस इन द आवर वर्चुअल क्लास ऑन सैटरडे. ओके, टिल देन
प्लीज कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, बाय, थैंक यू.